हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निफ्टी फ्यूचर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीकली चार्ट। तो आज जो है, तो आज निफ्टी 18,339 पे बंद हुआ है, 340 पे लगभग 45 पॉइंट के गेन के साथ। तो हमने अपसाइड देखी थोड़ी सी निफ्टी में आज, और एक लैकलस्टर डे था। मगर स्टॉक वाइज जो है तो अच्छे खासे गेन देखने को मिले, मगर निफ्टी जो है तो एक फ्लैट पॉजिटिव बंद हुआ है लगभग 45 पॉइंट के गेन के साथ। हमने शुरू में वीक ओपनिंग देखी थी और नीचे से रिकवरी आई निफ्टी में। और ये जो है तो निफ्टी शायद जो डेली चार्ट पे 18,450 का टारगेट है उसको टच करने के लिए ऊपर ऊपर जा रहा है। जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो आप वीकली चार्ट पे देख सकते हो कि ये जो वीक है तो ये स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव गेन के साथ, और ये लगभग अगर ये पॉजिटिव क्लोज होता है तो ये लगभग रहेगा फिफ्थ वीक रहेगा निफ्टी के लिए। मगर यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि अभी निफ्टी में थोड़ा सा थकावट नज़र आ रही है, और आगे जो है तो निफ्टी एक करेक्शन दे सकता है। मेरा जो एनालिसिस है वो यही कहता है, ऊपर जो है तो शायद जो हाई था 18,450 और 500 का उसको टच करने के बाद हम जो है तो एक करेक्शन देख सकते हैं निफ्टी में। फिलहाल निफ्टी जो है तो स्ट्रांग दिख रहा है एज पर कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी आज जो है तो हमने अच्छे खासे सेल ऑफ देखा था बैंक निफ्टी में, मगर निफ्टी जो है तो आउट परफॉर्म कर रहा है। और निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो यहाँ जो है तो निफ्टी को आउट परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि जो R3 है वो लगभग 450-500 के अराउंड है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार उसको टच करने की कोशिश करेगा, और फिर वहाँ से जो है तो हम शायद करेक्शन देख सकते हैं निफ्टी में। अगर निफ्टी सस्टेन करता है 18,500 के ऊपर तो फिर से हम जो है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं जो लेकर जाएगी निफ्टी को 19,200 की तरफ। मगर उसकी पॉसिबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है वहाँ, क्योंकि अगर बजट में कुछ ऐसा रहा या फिर जो ग्लोबल क्यूज है वो सपोर्टिव रहे तो हम उधर भी जा सकते हैं। मगर उसकी मुझे संभावना कम लगती है, जिस तरह से करेंसी और बाकी के मार्केट मूव कर रहे हैं तो एक करेक्शन आना लाजमी है। मुझे लगता है कि ऊपर जाने से पहले एक बार निफ्टी जो है तो करेक्शन दे सकता है, और ये करेक्शन भी थोड़ा सा डीपर ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो अभी तो फिलहाल जो है तो यह मेरा व्यू सेल ऑन राइज रहेगा। मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जो भी अच्छा खासा गेन मिलता है उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर 450-500 के अराउंड निफ्टी मिलता है तो एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम निफ्टी पे सेल जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अपसाइड अब यहाँ से लिमिटेड है और डाउनसाइड एक थोड़ा सा ज़्यादा है निफ्टी के लिए, और जो करेक्शन है वो ड्यू है निफ्टी में और वो आएगा ही। तो यह मेरा व्यू जो रहेगा सेल ऑन राइज रहेगा। कल के लिए लेवल देखते हैं। तो कल के लिए निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो 18,430, और उसके बाद में जो है तो लगभग 18,600। तो 430 और 450 के अराउंड आता है निफ्टी, तो हम सेल करेंगे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 18,300 से लेकर 18,200 का रहेगा। तो ऊपर के लेवल पे हम सेल करेंगे। अगर निफ्टी नीचे खुलता है तो एक बाउंस बैक आ सकता है, मगर वो बाउंस बैक आएगा लगभग 18,100 के लेवल से, 150 या 100 के लेवल से। तो वहाँ बाइंग जोन रहेगा। कल के लिए मेरा जो बाइंग जोन रहेगा निफ्टी में वो 18,100 टू 150 के बीच में रहेगा। वहाँ भी 50 या स्टॉप लॉस जो है तो हम छोटे छोटे रखेंगे। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो हम पोजीशन में से निकल जाएंगे, और ऊपर भी हम जो सेल करेंगे वो 450 और 500 के अराउंड सेल करेंगे, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा लगभग 200 पॉइंट का। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, उसमें 1:3, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो उस तरह से अगर निफ्टी मिलता है नीचे के लेवल पे 18,100 टू 150 और ऊपर के लेवल पे 450 टू 500 के अराउंड हम सेल करेंगे। मुझे लगता है कि निफ्टी जो है जिस तरह से बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो निफ्टी भी जो है तो उसको ज्वाइन करेगा, मगर ये थोड़ा सा बाद में हो सकता है। और यहाँ जो है तो मार्केट थोड़ा सा लैकलस्टर रह सकता है जब तक बजट नहीं आ जाता। यहाँ साइडवेज भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो मोस्टली मैं अभी यहाँ से ऑप्शन जो है तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं पोजीशन बनाऊंगा,
थोड़ी हल्की रख सकते हैं आप जो है, तो पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो ऊपर के लेवल पे। अगर नीचे खुलता है तो कॉल ऑप्शन लेंगे हम, और वो भी इन द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलेंगे मंथली एक्सपायरी का। यहाँ जो है तो मैं मोस्टली फ्यूचर पे फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि अगर साइडवेज हो जाता है मार्केट तो ऑप्शन में हमें अच्छा खासा प्रीमियम डीके देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से आप चाहे तो ऑप्शन राइट कर सकते हो, मगर मैं ऑप्शन बाय करने के लिए थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव रहूँगा और फ्यूचर पे ही हम फोकस करेंगे। फ्यूचर में जो है तो ऊपर के लेवल पे सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी, नीचे के लेवल पे मिलता है हमारे सपोर्ट के अराउंड तो बाय करेंगे। सेम गोज फॉर द ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन बाय करने के बजाय हम जो है तो एट द मनी पुट ऑप्शन बेच सकते हैं विद स्टॉप लॉस। अगर ऊपर खुलता है तो हम एट द मनी कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं विद स्टॉप लॉस। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कल के लिए। और निफ्टी जो है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी के एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। और यहाँ जो है तो यहाँ हमें एक बात देखनी होगी, अगर हम जो है तो हाई निकाल देते हो पिछला जो अराउंड है 600 के अराउंड 18,600, तो ही हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। और जो लेकर जाएगा जो नेक्स्ट टारगेट आता है वीकली चार्ट पे, वो आता है लगभग 19,500 के करीब, तो उस तरफ हम जा सकते हैं अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वीकली बेसिस पे। और जिस तरह से अभी प्राइस पैटर्न है, हो सकता है कि उसके ऊपर सस्टेन हो जाए, मगर बीच बीच में थोड़े से करेक्शन आते रहेंगे, तो हम करेक्शन के लिए जो है तो मोस्ट ऑफ दी सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार करेक्शन आएगा और वो भी हो सकता है कि शार्प रहे, और वो जो करेक्शन आएगा एज पर टू वीकली चार्ट वो हो सकता है कि लगभग 17,300 से लेकर 17,600 के लेवल नीचे के तरफ दिखा सकता है निफ्टी अगर करेक्शन आता है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। जो प्राइस पैटर्न है, जो बाकी इंडिकेटर पैटर्न है, वो सभी बुलिश है, इसी वजह से हम जो है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही शॉर्ट करेंगे, और लॉन्ग भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही करेंगे। अगर स्टॉप लॉस निकल जाता है, हिट होता है, तो उस पोजीशन में से हम निकल जाएंगे उतना लॉस लेकर। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, और मुझे लगता है कि एक करेक्शन ड्यू है वो आएगा। निफ्टी जो है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर मुझे लगता है कि वो उतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। और आप देख सकते हो कि निफ्टी की जो एवरेज रेंज रहती है उसके हिसाब से अभी थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम हो चुका है, और हम जो है तो एक छोटी रेंज में आ गए। आज सिर्फ 45 पॉइंट का हमने गेन दिखा, तो इसका मतलब जो है तो ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है मार्केट में। एक बार बायर्स जो है तो थक गए, और जो शॉर्ट कवरिंग मैंने कहा था वो ख़त्म हो गया, कि उसके बाद में जो है तो प्राइजेस विदाउट बाइंग जो है तो अपने आप ही सस्टेन नहीं हो पाते और नीचे गिरने लगते हैं, तो उसकी ही राह देखेंगे। तो आई थिंक सो कि आपको जो स्ट्रैटेजी है वो समझ में आई होगी। और यहाँ जो है तो आज तो लैकलस्टर डे था, तो इतना कुछ मूवमेंट नहीं था मार्केट में, तो निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।